दबंग खान बॉलीवुड के मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर। लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कन, बॉक्स ऑफिस की जान एंड बीइंग ह्यूमन। सलमान को बॉलीवुड में जो मुकाम हासिल है वो शायद ही किसी और एक्टर को हासिल हो। फैंस सलमान के हर राज की जानकारी रखते हैं, पर सलमान के बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कोई नहीं जानता। तो चलिए आपको बताते हैं सलमान के 50 राज। सलमान का पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है। सलमान खान फिल्मों में हीरो नहीं बल्कि डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन सलमान की शानदार पर्सनालिटी ने उन्हें हीरो बना दिया। सलमान ने सबसे पहले एक एड के लिए कैमरा फेस किया और उनको इसके लिए 75 रुपए मिले थे। सलमान खान की पहली फिल्म का नाम बीवी हो तो ऐसी है। ये फिल्म 1988 में रिलीज हुई। फिल्म में सलमान सेकंड लीड में थे। फिल्म में सलमान फारूक शेख और रेखा जैसे कलाकारों के बीच ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। एज ए हीरो सलमान खान की पहली फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई। उस दौर में पायरेसी के कारण फिल्म इंडस्ट्री की हालत बेहद खराब थी। खर्चा बचाने के लिए फिल्म को बहुत कम प्रिंट्स और कुछ ही जगह रिलीज किया गया। फिल्म के हिट होने के बाद प्रिंट्स की संख्या बढ़ा दी गई थी। फिल्मों में आने से पहले ही सलमान खान का रोमांस संगीता बिजलानी से चल रहा था। उस वक्त सलमान की तुलना में संगीता बड़ी स्टार थी। दोनों ने एक विज्ञापन में साथ काम किया था। संगीता बिजलानी से सलमान का लंबा रोमांस चला। बाद में सोमी अली उनके नजदीक आई और ऐसा लगा कि दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन उनका ब्रेकअप हो गया। सलमान धर्मेंद्र के दीवाने हैं और आज भी धर्मेंद्र उनके पसंदीदा हीरो हैं। हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन को भी सलमान काफी पसंद करते हैं। धर्मेंद्र का कहना है कि सलमान उन्हें अपनी जवानी के दिनों की याद दिलाता है। वो भी सलमान की तरह ही है, दिल से एकदम साफ और मुफट। सलमान ने धर्मेंद्र के साथ प्यार किया तो डरना क्या फिल्म की है। सलमान खान की फेवरेट हीरोइन हेमा मालिनी है। कई बार झगड़े के बाद भी शाहरुख खान को सलमान अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। दोनों स्टार एक साथ कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती का आलम यह है कि शाहरुख ने सलमान के लिए अपनी फिल्म रईस की रिलीज डेट पीछे कर दी। सलमान खान और ऐश्वर्या की लव स्टोरी बॉलीवुड की कभी न भूली जाने वाली प्रेम कहानियों में से है। इस लव स्टोरी की शुरुआत 1997 में हुई थी। उस वक्त सलमान सुपरस्टार बन चुके थे, जबकि ऐश ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में एंट्री की थी। फिल्म चलते चलते में सलमान की वजह से शाहरुख ने ऐश्वर्या को फिल्म से बाहर निकाल दिया। शाहरुख और ऐश जब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तभी वहां सलमान पहुंच गए और दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई। बाद में शाहरुख ने ऐश्वर्या को फिल्म से निकालकर रानी मुखर्जी को ले लिया। सलमान के प्यार में चोट खाई ऐश्वर्या की जिंदगी में नया चैप्टर खुलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इस नए चैप्टर का नाम था विवेक ओबेरॉय। ऐश का विवेक से नजदीकियां बढ़ाना था कि सलमान विवेक से नाराज हो गए। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विवेक ने सलमान पर कई आरोप लगाए। इस घटना के बाद विवेक ने सलमान से माफी भी मांगी, लेकिन सलमान ने उन्हें नौटंकी करार देते हुए आज तक माफ नहीं किया है। सलमान के नजदीकी लोगों का कहना है कि एक बार सलमान किसी से गुस्सा हो जाते हैं तो फिर उसे आसानी से माफ नहीं करते। ऐश्वर्या के बाद सलमान का नाम कैटरीना से जुड़ा। कैट के करियर को बनाने में सलमान का अहम रोल है। सलमान को किसी अवार्ड पर भरोसा नहीं है, वो फैंस के प्यार को ही सबसे बड़ा अवार्ड मानते हैं। 2005 के बाद सलमान की फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गईं। एक वक्त के बाद कहा जाने लगा कि सलमान का करियर खत्म होने की कगार पर है, लेकिन 2009 में आई वांटेड के बाद सलमान का करियर ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। दबंग, दबंग 2, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान और सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता की नई परिभाषा लिखी। इस वक्त सलमान खान को सबसे बड़ा स्टार माना जाता है।
चिल्लर पार्टी फिल्म को देख सलमान इतने प्रभावित हुए कि फौरन उस फिल्म के निर्माता बन गए। रणबीर कपूर जब फिल्मों में आए भी नहीं थे, तब सलमान और रणबीर एक नाइट क्लब में उलझ बैठे थे। दोनों में मारपीट भी हुई थी। अगले दिन अपने पिता सलीम खान के कहने पर सलमान ने ऋषि कपूर के घर जाकर माफी मांगी थी। सलमान खान के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पिता से बेहद डरते हैं। सलमान को जिम में जाना खास पसंद नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि उनके पेशे की डिमांड है कि वो फिट रहें, इसलिए वो रोजाना जिम जाते हैं। सलमान के बाद ही बॉलीवुड में अधिकांश हीरो फिट होने के लिए इंस्पायर हुए। आज बॉलीवुड के सारे हीरो की बॉडी बनाने के पीछे सलमान खान ही है। दूसरों की हेल्प करने के लिए सलमान कैमियो के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। जब भी सलमान का कोई दोस्त उन्हें कैमियो के लिए पूछता है, तो वो अपने रोल या कहानी के बारे में बात करने के बजाय ये पूछते हैं कि कब आना है। सलमान के पिता मुसलमान और माँ हिंदू हैं। सलमान हर त्योहार पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं। वो अपने परिवार को मिनी इंडिया कहते हैं। सलमान जरूरतमंदों की हेल्प करने में हमेशा आगे रहते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ह्यूमन के जरिए उन्होंने कई जरूरतमंदों की हेल्प की है। सलमान देश के कई शहरों में बीइंग ह्यूमन शॉप खोलेंगे। इसके जरिए जो भी कमाई होगी उसे वो भलाई के कामों में लगाएंगे। बॉलीवुड में सलमान महंगे गिफ्ट देने के लिए भी जाने जाते हैं। सलमान कभी किसी को गाड़ी गिफ्ट करते हैं तो कभी फ्लैट। किट में जैकलीन की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर उन्होंने जैकलीन को 2.5 करोड़ की पेंटिंग गिफ्ट दी थी। सलमान को एक्टिंग के साथ साथ राइटिंग का भी शौक है। उन्होंने कुछ फिल्मों की कहानी भी लिखी है, साथ में वो पेंटिंग भी बनाते हैं। इसके साथ साथ सलमान कई गानों को आवाज भी दे चुके हैं। फिल्मों के साथ साथ सलमान टीवी पर भी हिट हैं। उनके दम पर बिग बॉस ने अच्छी खासी लोकप्रियता हासिल की है। विवादों और सलमान का गहरा नाता है। बॉलीवुड में सलमान की कई लोगों से दुश्मनी है। कहा जाता है कि एक बार सलमान ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को थप्पड़ मार दिया था। 2002 में सलमान की कार ने फुटपाथ पर सोए हुए 4 लोगों को कुचल दिया था, जिनमें से एक की मौत हो गई थी। इस मामले में सलमान पर मुकदमा भी चला, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। सलमान पर राजस्थान में चिंकारा को मारने को लेकर भी केस चला। इस मामले में भी अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है। एक वक्त पर सलमान को फिल्मों का प्रमोशन करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब सलमान की फिल्में पिटने लगी तो उन्होंने जमकर प्रमोशन करना शुरू किया, और इस बात का सलमान को फायदा भी मिल रहा है। सलमान को इंटरव्यू देना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिल्म की प्रमोशन के लिए वो ना चाहते हुए भी इंटरव्यू देते हैं। सलमान कार और मोटर बाइक के शौकीन हैं। उनके पास कई लग्जरी और महंगी कार हैं। कई बार वो साइकिल पर भी मुंबई की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। पिछले कई सालों से सलमान एक ब्रेसलेट पहन रहे हैं जिसमें फिरोजा स्टोन लगा है। सलमान इस ब्रेसलेट को अपने लिए लकी मानते हैं। सलमान का कहना है कि वो एक्टिंग नहीं करते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही पर्दे पर नजर आते हैं। सलमान जब भी फिल्मों में टी शर्ट उतारते हैं, थिएटर में खूब तालियां बजती हैं। मुंबई के बाद लंदन सलमान का पसंदीदा शहर है। सलमान एक अच्छे तैराक भी हैं। सलमान खान किसी जमाने में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए स्विमर बनना चाहते थे। एक चीज जो सलमान को बॉलीवुड के दूसरे सितारों से बेहद अलग बनाती है, वो है उनका एटीट्यूड। सलमान ही एकमात्र ऐसे बॉलीवुड स्टार हैं जिनको कई सितारों को इस इंडस्ट्री में लॉन्च करने का श्रेय जाता है। कैटरीना कैफ, एली अवराम, सूरज पंचोली, अतिया शेट्टी, डेजी शाह, जरीन खान को ब्रेक दिलाने का श्रेय सलमान को ही जाता है। सलमान ने पहली बार जिस फिल्म को ठुकराया था वो थी बाजीगर। बाजीगर ने ही बॉलीवुड में शाहरुख को पहचान दिलाई थी। टिप्स कंपनी ने सलमान खान नाम से एक फिल्म का नाम रजिस्टर्ड करवाया था, लेकिन ये फिल्म आज तक नहीं बनी। सलमान बॉलीवुड इंडस्ट्री के स्टाइल आइकन है। केवल सलमान के फैन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार्स भी सलमान के फैशन से इंस्पायर हैं। NMF News की रिपोर्ट।